أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इल्म व अमल ऑफिशियल। आज हम इंशाल्लाह हमारे अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की अहादीस की बुक्स का इंट्रोडक्शन और उनके मुहद्दिसीन यानी राइटर्स कौन हैं डिस्कस करेंगे। देन लेट्स बिगिन। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर ज़माना मेरा है और उसके बाद मेरे सहाबा का है रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और उसके बाद ताबईन का है और उसके बाद जो उनको देखे यानी तबा ताबईन का है और उसके बाद आपने फरमाया कि झूठे लोग पैदा होंगे, अमानत में खयानत करेंगे और मोटापे को पसंद करेंगे। लिहाजा ये जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन तीनों दौर के बारे में फरमाया कि ये बेहतर ज़माना होगा एज़ कम्पेयर टू बाद के आने वाले ज़मानों के, और ये जो तीनों दौर हैं इनको क़ुरून औला कहते हैं और ये 300 साल पर बेस्ड है। लिहाजा ये जो हमारी अहले सुन्नत की 8 अहादीस की बुक्स हैं मेन स्ट्रीम वाली, ये इन्हीं 300 साल में लिखी गई है और इन किताबों को लिखने वाले मुहद्दिसीन इन 300 साल में फौत भी हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो टोटल 8 अहादीस की किताबें हैं हमारी अहले सुन्नत की, जिनमें से पहली किताब सही बुखारी, और इस किताब को लिखने वाले मुहद्दिस इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह अल-मुतवफ़ा 256 हिजरी में फौत हुए। 7563 अहादीस को इन्होंने अपनी सही बुखारी शरीफ में जमा फरमाया। सेकंड नंबर पर सही मुस्लिम और इसके मुहद्दिस इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हुज्जाज अल-कुशेरी रहमतुल्लाहि अलैह अल-मुतवफ़ा 261 हिजरी में फौत हुए। 7563 अहादीस को इन्होंने अपनी सही मुस्लिम शरीफ में जमा फरमाया। अच्छा, सही बुखारी और सही मुस्लिम इन दोनों किताबों में अहादीस की जो नंबरिंग है वो इक्वल है, यानी सही बुखारी में भी 7563 अहादीस हैं और सही मुस्लिम में भी 7563 अहादीस ही हैं। और ये इसलिए है क्योंकि हमारे उलमा इकराम ने सही बुखारी और सही मुस्लिम इन दोनों को सही हैन होने की वजह से इन्हें रेस्पेक्ट और प्रायोरिटी देते हुए इनकी अहादीस की नंबरिंग को स्टैंडर्डाइज कर दिया है, और हमारे अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि ये दोनों सही बुखारी और सही मुस्लिम ये दोनों ही सही हैन है, यानी इनमें जितनी भी अहादीस हैं जो सनदों के साथ लिखी गई हैं वो तमाम की तमाम अहादीस सही हैं। अलबत्ता इन दोनों किताबों में कुछ अकवाल सही भी हैं और कुछ अकवाल ज़ईफ़ भी हैं, यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने ना कई अहादीस की हेडिंग में कुछ ऐसे अकवाल ज़िक्र किए हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कौल और अमल से मुतालिक हैं, और कुछ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मुतालिक हैं, और कुछ ताबईन और तबा ताबईन के भी अमल से मुतालिक हैं, लेकिन वो बग़ैर सनद के साथ उन्होंने लिखे हैं। अब इन पर बात हो सकती है कि ये इनमें से कुछ सही हैं या इनमें से कुछ ज़ईफ़ है। अलबत्ता जो अहादीस हैं सनदों के साथ लिखी गई हैं इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने, ये तमाम की तमाम अहादीस सही हैं, कम अज़ कम अहले सुन्नत का इस पर इजमा है। और जिस हदीस पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों मुत्तफिक हो जाए यानी एक हो जाए कि यह हदीस सही है, तो वो हदीस कहलाती है मुत्तफ़क़ुन अलैह। तो वो टोटल 1906 अहादीस ऐसी हैं कि जिन पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों मुत्तफिक हैं, यानी मुत्तफ़क़ुन अलैह अहादीस हैं जो कि सही हैं। एक अरब स्कॉलर हैं जिनका नाम है फवाद अब्दुल बाकी, उन्होंने एक किताब लिखी है अल्लुलु वल मरजान के नाम से। बेसिकली उन्होंने ये अल्फाज कुरान करीम से पारा नंबर 27 सूरह रहमान से उन्होंने ये डिराइव किया है, यानी इसका मतलब है कि जन्नत के दो मोती। इन्होंने अपनी इस किताब में सही बुखारी और सही मुस्लिम की जितनी भी मुत्तफ़क़ुन अलैह अहादीस है उनको जमा फरमाया, और ये किताब उर्दू में भी अवेलेबल है। तो लिहाजा किसी को अगर सिर्फ मुत्तफ़क़ुन अलैह अहादीस पढ़ना है तो वो इस किताब की तरफ भी देख सकता है। और दूसरा मज़े की बात, अगर सही बुखारी और सही मुस्लिम में से रिपीटेशन वाली अहादीसों को निकाल दिया जाए, यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अहादीसों को मुख्तलिफ सनदों के साथ जिक्र किया है, अगर हम रिपीटेशन वाली अहादीसों को निकाल देंगे तो सही बुखारी में ऑलमोस्ट 4000 अहादीस हैं
और सही मुस्लिम में भी ऑलमोस्ट 4000 अहादीस है, और इनमें से भी 2000 अहादीस ऐसी हैं कि जो कि मुत्तफ़क़ुन अलैह है। तो सही बुखारी और सही मुस्लिम की ऑलमोस्ट 50% से अहादीस मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया सही बुखारी और सही मुस्लिम। थर्ड नंबर पर सुनन अबी दाऊद और इसके मुहद्दिस इमाम अबू दाऊद सुलेमान बिन अशअथ रहमतुल्लाहि अलैह अल-मुतवफ़ा 275 हिजरी में फौत हुए, 5274 अहादीस को उन्होंने सुनन अबी दाऊद में जमा फरमाया। फोर्थ नंबर पर जामिया तिर्मिज़ी और इसके मुहद्दिस इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह अल-मुतवफ़ा 279 हिजरी 3956 अहादीस को इन्होंने अपनी जामिया तिर्मिज़ी में जमा फरमाया। फिफ्थ नंबर पर सुनन नसाई और इसके मुहद्दिस इमाम अहमद बिन शोएब नसाई रहमतुल्लाहि अलैह अल-मुतवफ़ा 303 हिजरी में फौत हुए, 5761 अहादीस को इन्होंने सुनन नसाई में जमा फरमाया। और सिक्स नंबर पर सुनन इब्ने माजा और इसके मुहद्दिस इमाम मोहम्मद बिन यजीद इब्ने माजा रहमतुल्लाहि अलैह 4341 अहादीस को इन्होंने सुनन इब्ने माजा में जमा फरमाया। तो ये टोटल 6 किताबें हैं जिनको कुतुबे सित्ता कहा जाता है। सियाह सित्ता का टर्म गलत है, जो उमूमन पब्लिक में ये वर्ड यूज़ किया जाता है, कुतुबे सित्ता कहना चाहिए। सही है बुखारी और मुस्लिम, और जो बाकी 4 किताबें हैं इनको सुनन अरबा कहते हैं। और ये जो सुनन अरबा की तरतीब या सीक्वेंस जो मैंने आपको अभी बताई है, सुनन अबी दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, ये मुहद्दिस आज़म सऊदिया शेख नासिरुद्दीन अल्बानी रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक और बाकी बड़े उलमा के नज़दीक भी यही तरतीब है। और सेवन्थ नंबर पर अल-मौता इमाम मालिक हदीस की पहली किताब के तौर पर इस्टेब्लिश हुई, और इसके मुहद्दिस इमाम अनस बिन मालिक रहमतुल्लाहि अलैह अल-मुतवफ़ा 179 हिजरी में फौत हुए, 1720 अहादीस और रिवायत को इन्होंने अपनी अल-मौता इमाम मालिक में जमा फरमाया। एंड लास्ट 8 नंबर पर मुस्नद इमाम अहमद और इसके मुहद्दिस इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह अल-मुतवफ़ा 241 हिजरी में फौत हुए, 27647 अहादीस को इन्होंने अपनी किताब मुस्नद इमाम अहमद में जमा फरमाया।